तो हेलो दोस्तों, यार आखिर फाइनली मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। और जो सफ़र था यहाँ का बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और सारे जो लोग थे बहुत ही प्यारे, और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इनका शुक्र गुज़ार रहूँगा। और उम्मीद यही रहेगी कि यहाँ से निकलते वक्त मतलब जो काम किया है वो सही हुआ हो, और ये सभी लोग इससे सेटिस्फाइड भी होंगे। तो अभी के लिए मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, और सभी लोगों ने, घर के परिवार सदस्यों ने बहुत सहयोग किया, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का। तो यार निकलने का टाइम हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ, अभी सराहन की ओर जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर में मैं सराहन शहर में पहुँच जाऊँगा। तो आप यूं ही बने ये हमारे साथ वीडियो में, और आपका भाई मिलता है आपको आगे कंटिन्यू वीडियो में। 7 दिन कंप्लीट, और आज घर की ओर निकलता हुआ मैं, और बताना चाहूँगा बिल्कुल यार यहाँ का जो मौसम है अभी बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम, कूल, क्योंकि यहाँ पे घने जंगल, बहुत ही उम्दा प्यारे जंगल है यहाँ पे, काफ़ी तादाद में पेड़ पौधे यहाँ पर। और उधर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, और यहाँ से आगे तो धूप ही धूप है, तबाही धूप, भयंकर धूप है, भयंकर। और इधर ऊपर टूरिस्ट के लिए जो है नेचर गार्डन बन रहा है, नेचर गार्डन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और यहाँ पर ज़रूर दूर दूर से लोग आएंगे घूमने के लिए। यहाँ देखिए क्या ज़बरदस्त है यार, बढ़िया बनाया है इधर, रोड अच्छा है। ये देख सकते हैं आप बीचों बीच सराहनपुर शहर, ये है सराहनपुर शहर। और जो दूसरा गांव दिख रहा है आपको पीछे, जो दिख रहा है गांव, ये कड़ा है, चिड़ियाघर का एरिया यहाँ से ऊपर, चिड़ियाघर का एरिया। तो यार रंगोरी से चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ सराहनपुर शहर की ओर, और यहाँ पर ऊपर पीछे वो ग्राउंड है SSB का, यहाँ से ऊपर रोड है यहाँ के लिए, अच्छा हेलीपैड है ये SSB का हेलीपैड। और यहाँ ग्राम पंचायत सराहनपुर शहर आपका हार्दिक स्वागत करता है। थोड़ी देर में सराहन पहुँच जाऊँगा, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यहाँ टूर्नामेंट चला हुआ है, अभी राष्ट्रगान हो रहा है यहाँ पे स्कूल में अभी। और उधर ग्राउंड की झलकियाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हो रहे हैं टूर्नामेंट। ये देख सकते हैं आप सराहनपुर शहर का स्टेडियम, बहुत ही बड़ा विशाल स्टेडियम, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, आंखों को ठंडक मिल चुकी है यहाँ पे इस स्टेडियम को देख के। और ये देख सकते हैं आप नज़ारा, व्यू, सुंदर पहाड़ियाँ, हल्की हल्की बर्फ, ये देखिए खो खो का मैदान है ये बनाया हुआ, और टेंट बढ़िया डाले हुए हैं यहाँ पे। उधर अभी तो मैच हो रहा है वॉलीबॉल का, और साथ में कबड्डी का सेटअप बिछा हुआ है कबड्डी का भी, और स्टेज बहुत ही अच्छा प्यारा छोटा सा। और ये सराहनपुर शहर की पहाड़ियाँ, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत जंगल, प्यारे जंगल। यहाँ से मुझे इस रास्ते में जाना पड़ेगा, तब जाके मैं निकलूँगा आगे सराहन मार्केट में। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इधर से, और इधर देख सकते हैं आप फसल, बीन होंगे ये, फ्रास बीन। बैठ के साथ
बहुत प्यारी गलियां हैं यहाँ पे यार, सुंदर रास्ता है, बढ़िया रास्ता। मेरा तो इधर आना फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। पहुंच चुका हूँ मैं सहारनपुर शहर। बहुत ही प्यारा स्टेशन है ये, और इधर बच्चे जा रहे स्कूल ग्राउंड। और मैं माँ भीमा काली के नजदीक सहारनपुर शहर में रश देख सकते हैं आप गाड़ियों का। टूरिस्ट की गाड़ियाँ यहाँ देखिए, दो दो ट्रैवलर। एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूँ माँ भीमा काली सहारनपुर शहर के मंदिर में। एक शांति, एक सुकून मिलता है यहाँ पे। ये प्रवेश द्वार में हम जाते हुए अंदर की ओर, यहाँ से ऊपर कैमरा अलाउ नहीं है तो आप नहीं ले जा पाएंगे हम कैमरा यहाँ से ऊपर। ये देखिए कितना खूबसूरत। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से शिव जी का गंगा जल जो आता है शिव जी से धो के वो यहाँ निकलेगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर कला, पत्थरों में की गई नक्काशी और पत्थरों से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये देख सकते हैं स्तंभ। ये है नरसिंह का रूप धारण किया था जब भगवान विष्णु जी ने। यहाँ से मुझे फटाफट जाना पड़ेगा क्योंकि अभी 11 बजे बस जाती है यहाँ से रामपुर के लिए, तो मैं उसी बस में जाऊँगा। अभी मात्र 10 मिनट शेष है मेरे पास, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। सुबह सुबह ठंडी कर लिया सहारनपुर शहर की, अब सीधे ही बस स्टैंड की ओर जा रहा हूँ मैं। बस आई होगी तो सीधे निकल देता हूँ। आज टूर्नामेंट जो है खत्म हो जाएंगे तो रौनक थोड़ी कम हो जाएगी आज के बाद, 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। पुलिस चौकी सहारनपुर शहर की उत्तर श्रीखंड के साथ, ये देखिए बस साहिल बस है यहाँ पे जो कि अभी हम पहुँचाएंगे, इसी में जाना पड़ेगा मुझे साहिल सर्विस। ये अभी अभी पहुँची है रामपुर से, अब वापस जाएगी रामपुर की ओर, तो मैं इसमें ही बैठूंगा। तो अभी के लिए मैं बैठ चुका हूँ बस में और थोड़ी देर में ही चल पड़ेगी यहाँ से, तो चलिए मैं भी दूँगा आपको। ये
है घाट और यहाँ से रोड जाता है आगे किन्नू मशनू मघारा घर गौरा होकर चोली होकर रामपुर और इधर से आप जाएंगे जिवरी जिवरी से रामपुर यहाँ से टर्न होना पड़ेगा लेफ्ट रामपुर के लिए और यहाँ से आगे किन्नौर के लिए रास्ता जाता है से मुझे रामपुर की ओर पैदल जाना पड़ेगा कॉलेज ग्राउंड से पाठ बंगला बहुत ही बड़ा मैदान ये भी लव अफेयर का ग्राउंड तो अभी जाना पड़ेगा बस स्टैंड के लिए। अरे मैं पहुंच चुका हूँ रामपुर के शहर में आई लव रामपुर और मैं रामपुर बस स्टैंड में पहुंच चुका हूँ। यहाँ से बाजार चलते हैं थोड़ा देर उसके बाद निकलते हैं। अभी बस स्टैंड में वेट कर रहा हूँ बस का घर जाने के लिए और इधर बैठे हुए लोग सभी अपनी अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर में बस आएगी तो हम निकल पड़ेंगे।